कीर्तन विच मन जुड़दा पर तां जे कीर्तन करन वाले दा मन जुड़िया होवे सारे कीर्तन सुखदाई नहीं क्योंकि कीर्तन करन वाला जे एकागर नहीं तां साडा मन एकागर न होवे। कीर्तन करन वाला जे जुड़ के कीर्तन करेगा तां श्रोतियां दियां बिरतियां जुड़ जानी। आखिया मेरे मन ऐसा कीर्तन कर जो लोक प्रलोक विच तेरे नाल निभे तैनू भी सुखदाई होवे ते श्रोतियां नू भी। पंजे पासा दा दरबार लगा सी हरमंदर साहब बेशुमार संगत आ जा रही है। एक कोई गाउण वाला बड़ी शोभा सुन के आया। जिस वेले पहुंचिया हरमंदर साहब संगत मत्था टेक के बैठ रही है ए खड़ोता रहा। साहब ने पूछिया भाई प्रेमिया किवें खड़ोता है बैठ जा। अखे जी मेरी बेनती है। कहन लगे कर ले। कहंदा जी मैं बड़ी दूरों आया शोभा सुन के। मैं सुनिए तुसी सारी बाणी राग विच रची है और राग दे बड़े स्रोते हो ते मैं बड़ा राग गाउण वाला बड़िया बड़िया महफलां मजलसां विच गाया बड़े बड़े इनाम ते तमगे हासिल कीते हन ते अज मैं तुहाडे दरबार आया मेरा राग सुन। साहब ने आखिया राग की आखे राग सुन असि वही निरा राग नहीं सुनते जिन्ना चिर राग विच वैराग ना हो। जे वैराग है तो सतवचन जिवें बाबा जी कोल कई जत्थे आए एक प्रेमी दे घर पुत्र होया बड़े चिर बाद उन्हें आखिया बाबा जी की कृपा हुई है ते हुण बाबा जी नूं किवें खुश कर जे भेटा लेंदे तो मैं हजारां जाके मत्था टेक ला पर उत्थे पैसा चढ़दा नहीं पैसे नूं हथ नहीं लाउंदे पक्की रोटी आउंदी है जिहड़ी वरत जांदी है तो किवें सेवा करां किसे संगी नूं पुछियो। उन्हें आखिया जे तू पैसा खर्चना है तो बाबा जी आखदे ने ए जे सीधा खा लईए तो ए पारा है ते पारे नू मार के खाइए तो शक्ति है दवाई है इस वास्ते तू पारे नू मार ले। उन्हें आखिया मैनू समझ नहीं आई। उन्हें समझाया भी तू कीर्तनिए लिया बाबा जी नू कीर्तन सुना जे तू भेटा करनी है तो बाबा जी माया लेंदे नहीं माया दा चढ़ावा उत्ते चढ़दा नहीं पर तू अपनी माया सफल करनी है तू इंज कर ले। ओ फिर चार जथे ले आया रूड़ा बूढ़ा सन उस वेले बाई फैज बाई सुंदर सिंह अमृतसर दा ते चौथा भाई लाल बड़ा गंधर्व गवैया। ये चारे जथे जिस वेले हाजिर होए बाबा जी बड़े प्रसन्न होए वे कीर्तनिए आए। कीर्तनिया नू वेख के तां चन्न चढ़ जांदा सी। जिस वेले शामां दा दीवान सजिया सुनन वास्ते बड़ी दुनिया आई
रोज भी संगत आउंदी सी पर अज तो बड़े बड़े दूरों लोकी आए। अज कोई खास गल है, चार जत्थे आए ते सब तो श्रोमणी भाई लाल गावण दा गंधर्व राग दा बड़ा सियाना भास्कर राव दा शगिर्द बड़े बड़े मरासी भी आए सन, कई कंजरियां भी आई सुनने वास्ते जो उसने उस्ताद मन दियां सन। जिस वेले दो चौंकियां हो गई फैज ने भी शब्द पढ़िया, भाई रूड़े बूढ़े रबाबी ने भी शब्द पढ़िया, ते फिर भाई लाल उन तू सत बचन। जिस वेले भाई लाल बैठा स्रोतिया ने अड्डियां चुक लई वेखण वास्ते, खबरे की राग गाएगा की कुछ सुनाएगा, क्योंकि सुनावण दा स्वाद भी उत्थे है जिथे कोई अगे स्रोता बैठा हो। शुरू करन तो पहला भाई लाल ने बेनती की, जी की पेश करा। बाबा जी कहन लगे पुछण दी की लोड़ है, आओ कुछ पेश कर, जी हो जिया तेरा नाम है, नाम तेरा है लाल, कोई लाल ही पेश करेगा ना, तो कर जो तेरी मर्जी। उन्हें आख्या नहीं हजूर कोई फरमाइश कर, मेरा असी सन बाबा जी दी तां लीला ही निहारी सी, किसे विरले नू सोजी पई, नहीं ते प्राप्तियां वाले महापुरुख भी होए हन संसार विच, पर बाबा जी दी मर्यादा विलखण सी। उन्हें फिर दोबारा आखिया जी कोई फरमाइश करो, किसे राग दी किसे तार दी। बाबा जी कहन लगे लाल फकीरां दी फरमाइश बड़ी बिखड़ी हुंदी है, तू साड़ी फरमाइश ना पुछ, तेनू जो आउंदा कह दे। उन्हें फिर तीजी वारी आखिया हजूर मैनू सब कुछ आउंदा, उस्तादां दा चंडिया हां, सेवा कर करके इलम पाया है, कोई फरमाइश कर। सोचिया किसे राग दी फरमाइश करनगे किसे तार दी फरमाइश करनी। बाबा जी ने आखिया अच्छा लाल जे तू नहीं टलदा ते फरमाइश कर देने पूरी करेगा। कन फड़ के कहंदा उस्ताद दी कृपा ना, ए नहीं सी पता भी इत्थे उस्ताद भी कन फड़नगे। तो बाबा जी ने अपने गलों दुपट्टा ला लिया, दुपट्टे नू दूरा करके अगे लम्मा पा दिता, कहन लगे लाल एक बिरध माई है, उसका इको एक जवान पुत्र है, आ जड़ा दुपट्टा मैं रखे है तू ए समझ बई उस माई दा पुत मरिया पिया, ए मोया पिया सामने लाश पई है, ते माई अपने जवान पुत्र नू बैठी रोंदी है, लाल तू भी रो ते सानू भी रोआ। बहुत अच्छा, बड़ा यत्न कीता लाल ने पर बनिया कख नहीं, कुछ ना पर ना लाल रुना ते ना सभा विचों कोई रुना। ते कर करके अखीर हाथ जोड़ के कहंदा हजूर मैं भूल गया, मैं तुहाडी रमज नहीं जाती, मैं ऐसा फकीर अज ताई ना डिठा ना सुनिया, ये तुहाडी फरमाइश लाल पूरी नहीं कर सकता। बाबा जी कहन लगे कीर्तन ओही जिस विच अख भर आवे मन ढल जाए, लोहा जिन्ना चिर ढलेगा नहीं कुछ बनेगा ही नहीं, जे ढलेगा ते कारीगर उतो मारे चोट जिवें मर्जी घर लवे, ए मन लोहे तो भी सख्त है ए पत्थर नालों भी कठोर है। जिस वेले मन पत्थर हो जांदा है किसे दा लख तरले करो लखां वास्ते पाओ नहीं भिजदा। ए लाल ढालना है तो इस मन नू है, ए जो कुछ करना है मन वास्ते करना है। साथ संगत बोलो श्री तो राग ओही जिस विच वैराग है, ये वैराग नहीं तो कादा राग।
तो पंजे पातशाह ने आखिया उस गंधर्व नू ही आखिया ही राग सुनो, असी राग नहीं सुन, निरा राग नहीं, विच वैराग होवे ता। वो पिछा परते आ पर उसके अक्षर आ गए, आखिया बड़ी दूरों आया सा, आसबंद होके निराशा होके जा रहे, ते संजोग नाल अगों भाई साहब मिल गया, भाई गुरदास, क्यों भाई इस दरबार ता रोंदे आवन ते हसदे जावन, ते तू रोंदा अंदरों निकलिए। उन्हें आखिया मेरी आशा पूरी नहीं हुई, केड़ी आशा लेके आया सी, इतने तो सब किसी दियां मुरादां पूरियां होंदियां। उन्हें आखिया मैं आया सा मेरा राग सुनन, जवाब मिलिया भी राग नहीं सुन दे। आखिया ठीक है, इतने निरा राग नहीं, ये गवैया की महफल नहीं, ये भगतों की महफल है। आखे राग भी साहब ने उचारे है, आखिया राग सिंघासन उत्ते बाणी नू विराजमान किया, जे सिंघासन ते पातशाह ना बैठा होवे तां सिंघासन सुनिया, पातशाह बैठा होवे तां सिंघासन भी पूजन योग है। तो जे राग विच बाणी है तो कीर्तन है, ते कीर्तन साहब नू अत प्यारा है, तू कीर्तन कर। उन्हें आखिया वह तो मैनू आउंदा नहीं। भाई साहब एक पासे लैके बैठ गए, कहने लगे एक सलोक तैनू मैं चेते करा ना कर लै, ते उनू फिर किसे राग विच गावन दा अभ्यास कर, ते फिर जाके बेनती कर मैं कीर्तन करना, फिर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, और तेरिया आसा मुरादा सब पूरिया होनी, जोलियां भर के जाएगा, क्योंकि साहब नू कीर्तन बड़ा प्यारा। तो भाई साहब ने सलोक चेते कराया दो तुकां दा, डंडौत बंदन अनिकुवार सर्व कला समरथ दोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। जट चेते हो गया सलोक किसे राग विच गा सकने, उन्हें आखिया कितनिया रागां विच कितनिया तारां विच मैं राग तार विच निपुण हां, मैं कला कौशल हां, कला दा जानू हां, जिस राग विच आखो उस विच सुना दे। भाई साहब कहने लगे किसे राग विच गुंद लै, ते फिर जाके बेनती कर मैं कीर्तन करना, इंज ना आखी मैं राग गावना। जिस वेले वो फिर परत के आया तो साहब जा चुके सन, प्रसाद दा वेला सी, दोपहर हो गई सन, पुछया सच्चे पातशाह, आखन लगे हुणे ही गए हन प्रसाद छकन, अजे परिक्रमा विच ही होणगे। ये फिर भज के अगों दी जा मिलिया, पता नहीं सी ना, ते जांदियां ही सामने खड़ो के कहंदा जी मैं कीर्तन करना, साहब उत्थे ही बैठ गए। धन्नवाद, ये भोजन तो रोज मिलेगा, रोटी रोज खांदे ही रहने, ते जे कीर्तन मिल जाए तो गुरु नानक दी कृपा, गुरु नानक टुट पवे तो सिख नूं कीर्तन दा भोजन बख्शे। ये कीर्तन आत्मा दा आधार है, कीर्तन हिरदे दी खुराक है। लिया वही जे थाल परोस के लियाए तो रख अगे छका, रज रज भोग करो मेरे भाई, करो वही भोजन रज रज के कीर्तन दा। सब संगत भी सज गई उथे जितने नाल सन, कोई भज के आसन लियाया, साहब ने आखिया हुण नूं दिखाओ, हुण बैठ गए, कर वही कीर्तन। उसने एक सलोक दा कीर्तन कीता, दंडौत बंदन अनेक बार सिखिया सी भाई साहब दी, पान भाई साहब दी चढ़ी सी, सिख दी संगत हो जाए साध संगत तां काया पलट जांदी। ओ एक सलोक पढ़दियां ऐसा टिक के उसने पढ़िया कि सच्चे पातशाह ने तकिया, भाई साहब जी पातशाह 500 दी थैली सत वचन जट गए ते ले आए। जिस वेले उन्हें भोग पाया ते मत्था टेकिया, 500 दी थैली भाई साहब ने चौली विच पा दी। वो बड़ा प्रसन्न पाया, बड़िया बड़िया महफलों विच गाया, पर इतना ही नाम किसे नहीं बख्शिया।
इतना मुल मेरे हुनर दा किसे नहीं पाया। साहब ने आखिया ए मुल नहीं, तू कीर्तन कीता है ए कीर्तन दी भेटा। उन्हें सोचिया जिसकी भेटा इतनी है मुल खबरे कितना होएगा। आंदा जी मैं केड़ा रोज रोज आना है, खबरे मुड़ कदों आवांगा तुहाडा दर्शन करांगा, कृपा करके मेनू भेटा ना दियो मेनू मुल दियो। साहब ने आखिया भाई साहब जापदा माया दा लोर क्यों है, होर लियाओ एक थैली। एक थैली होर आई, झोली पाई, आखिया हुण मुल पाया जी। साहब ने आखिया नहीं मुल ए भी नहीं ए भी बेटा है। दोवें थैलियां अगे चा रखिया, गरीब नवाज जे चुठे हो तो मेनू मुल ही बख्श। साहब ने आखिया अच्छा फिर एक बारी फिर गा। उन्हें फिर गाया डंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ, ते जिस वेले पढ़िया ना डोलन ते रख प्रभु नानक दे कर हथ, तो पंजे पासा ने हथ शीश ते रख दिता। डोलन ते चूका ठहराया, ओ जेड़ा मन डोल रहा सी ना, माया वेके ललचा रहा सी, बेटा नहीं लहनी मुल मंगदा सी, ओ मन टिक गया। साहब ने सिरथ रखिया सिमरथ गुरु सिरथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस वेले सिर ते हथ टिकाया डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ, उदी समाध लग गई। समाध लग गई ते लू लू चो चरनाक उठी वाहिगुरु नाम दी। हजूर ने कृपा की थी, नाम दी फुहार जिस वेले पाई तो मानो मुर्दा जी उठे। जट चोखा बीत गया, जिस वेले हजूर ने सिर तो हथ चुकिया उदी समाध खुली, ते आखदे आहा हुण मुल पाया जे ना, मैनू नहीं सी पता एदा मुल की, हुण मुल बख्शिया जे ना। साहब ने आखिया मुल ए भी नहीं ए भी बेटा है। तो आखदे जी फिर इसका मुल की है। साहब ने आखिया मुल कौन जमया पाण वाले, कीर्तन दा मुल, क्योंकि जिथे कीर्तन है उथे गुरु नानक है, ते गुरु नानक दा मुल कौन पावे। ए तां ओ वस्त है अमुल आवे अमुल ले जा, अमुल भाए अमुला समाए, ए अमुल धर्म अमुल दी बाण, अमुल तुल अमुल फुरमा। ए अमोलक दात है कीर्तन निर्मोलक हीरा, जिस हीरे दा कोई मुल नहीं पा सकता। पर ये कीर्तन कैसा होवे, ऐसा होवे मन जोड़ के जिन्हें सहवाक दे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे। और फिर चरणा दी धूड़ी विच लेट गया, मुड़ घर नहीं गया, घर नहीं गया। पातशाह फिर मैनू हुण कीर्तनियां ही कर, कीर्तनियां ही बनाओ, कीर्तन विच ही मेरे सुहास बीतन, ते कीर्तन करदे ही मेरे सुहास निकलन। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम ते, कोई पदार्थ ऐसे औथे दोई थाई कम न आवेगा बिना कीर्तन। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूट है, बाकी के कर्म धर्म पाखंड जो दिस है, तिन जम जागाती लूट है। जम रस्ते विच बैठा है जागाती मसूलिया चुंगी वाला, जो कुछ लैके तुरेगा सब रस्ते विच लुट लेने। ऐसे रख दे अज में समगल दा माल, जिस वेले छापा पैंदा है तां सारा जब्त हो जांदा, कुछ भी नहीं छड़ दे बाकी। इसे तरह इथों जो कुछ भी लैके जाएगा अवर करतूत सगली जम डल, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मर। एक तिल मात्र जम दे दूत नहीं मन दे किसे होर कर्म नू, इको ही कर्म मन दे हन कीर्तन नाम सिमरत रखो जब लग घट साथ। साहिब आखदे ने हे वाहिगुरु जे टुटे तां मेरे उते ए मेहर कर के जिन्ना चिर मेरी देही विच सुवास चलदे हन मैं कीर्तन नाम सिमरत रखो। क्यों ए ओ दात है जेड़ी
कीर्तनिया क्योंकि मैं आप ही इस मंजिल चो लंघिया। कई बार दसिया भी पंजा रुपया की खातर भुख हड़ताल कर बैठे भाई लैने रोटी खानी उस वे कीर्तन की सोजी नहीं सी। सोजी तो बाबा जी ने पाई ते सचमुच कीर्तन नहीं फिर बाबा जी ने बख्शिया। पहले कीर्तन किथे कर दे सा, पहले तो पेट पूजा कर दे सा। कीर्तन एक वसीला सी आमदन का, कीर्तन एक हुनर सी जिसन करके ते पूरा मुल वसूल करना अपना हक समझते सर। जब पता लगा ये कीर्तन गुरु नानक का भोजन है ते बाबा जी ने आखिया सुजान सिया तू गुरु नानक नु भोजन छका तेरे भोजन का प्रबंध गुरु नानक करे। तू एक शब्द रोज सुना दे आखिया जंगल विच बह जा चारे पदार्थ उठे आ जाने। ये सब कुछ जो बाबा जी ने आख्या ये जिस वेले अखी दिठा फिर अखी वेख के किसन प्रतीत नहीं आऊ। तो मैं दोष नहीं दिंदा कीर्तनिया नू जिन्होंने बचन करके भी बाबा जी की बरसी के समागम च दर्शन नहीं दिते, बल्कि पूछ भेजिया भी भेटा की दोगे। और आश्चर्य में होया भी उसने पुछ भेजिया जिन्हें एक बारी कीर्तन कीता ते बार बाग विच लंगर वरत रहा सी ते फिर परत के रोंदा आया जी तुसी 100 रुपया दिता सी आ मेरी जेब चो किसी ने 100 कढ लिया। ते मैं आखिया चंगा भी 50 तेरे गए 50 मेरे गए 50 मैं होर दे दिते। ये तसली भी ना कीती भी वो निकले के ना निकले ओही बंदा भेज के पुछे भई मैनू दोगे की क्योंकि पिछो झगड़ा ना पे। मैं आखिया मैनू लोड़ नहीं, इत्थे तां उन्हां दी लोड़ है जिन्होंने कीर्तन गुरु नानक नू भेट करना ते जो गुरु के दरबारों मिल जाने उसनू सिर मथे रख ले। इस वास्ते मैं आखिया 3 दिन करांगे क्योंकि 3 दिन तो असि आप सारे घर दे ही रल मिल के कर सकते, जे कोई भी ना आवे तां भी ये नितनेम हो सकता है क्योंकि साडा परिवार जितना भी है ये सारा ही कोई जोड़ी वजाउंदा है, कोई बाजा वजाउंदा है, कोई दिलरवा वजाउंदा है, कोई वैलन वजाउंदा। ये कीर्तन बाबा जी ने ऐसा बख्शे है, ऐसा बख्शे है जो घर का कोई जी खाली नहीं, आप ही सिख गए। मैं आखिया 3 दिन करांगे, ये कोई ना भी आया तो भी हो जाएगा। ते हुण तो बड़ी मेहर है संगत सारी नाल रल जांदी। ते फिर 3 दिन लगातार ए मिठी फुहार, ए जीवन दाती फुहार, ए सुखदाई फुहार, ए साडे जन्म दे यादगारी दिन हन। इस जीवन दे हयाती तक चेते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।